Hello students, today I am going to teach you English grammar subject and chapter number है assignment. यहाँ पर first one बताया गया है collective, जो जूत होता है collection जिसको बोलते हैं collective and material nouns. रिविजन के तौर पर ये लेसन फिर से दिया गया है. collective nouns से ये collective है, जो हम साथ में रहते हैं एक साथ जो झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउंस. रिवीजन है ये, यहाँ पर बताया गया है. नंबर वन में है लास्ट ईयर, हमने लास्ट ईयर जो सीखा वी स्टडीड कलेक्टिव नाउंस, हमने सीखा लास्ट ईयर वी स्टडीड कलेक्टिव नाउंस. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ थिंग्स टेकन टूगेदर, जो लिए जाते हैं साथ में है एज वन वी हॉल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया है, जैसे लास्ट ईयर हमने सीखा, हमने स्टडी की कलेक्टिव नाउन्स के अबाउट. कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स, एक से ज्यादा जो कलेक्शन जो होता है झुंड होता है इंसान का, ऑफ थिंग्स पर्सन्स, ऑफ थिंग्स persons of things होती है, taken together जो लिया जाता है साथ में as one whole. example बताया है ये, number one is the fox saw a bunch of grapes, एक दाना नहीं grapes का, दो दाना नहीं but क्या है उसका पूरा bunch था. तो grapes के क्या बोलते हैं collection को, क्या बोलते हैं bunch बोलते हैं, क्या बोलते हैं bunch. यहाँ है The fox saw a bunch of grapes. अब क्या बोलेंगे grapes के जो जूस अखा जो उसका होता है, उसका होता है अखा जो हम grapes खाते हैं उसका जो collection होता है उसे क्या झुंड को क्या कहते हैं हम bunch. तो क्या है number one is the fox saw a bunch of grapes. क्या देखा उसने, अंगूर का जो है वो क्या है उसने अंगूर का बंच देखा. टू नंबर ई सो अ हीप, हीप वो झुंड ढिकला होता है जिसे ऑफ स्टोन्स, अपने पत्थर तोड़ के ढिकला करते हैं उसे बोलते हैं हीप. टू नंबर ही सो अ हीप ऑफ स्टोन्स, उसने क्या देखा जो स्टोन्स है उसका क्या देखा, हीप है वो ढिकला करते हैं को बोलते हैं हीप ऑफ स्टोन्स इन द गार्डन, गार्डन में देखा उसने हीप ऑफ स्टोन्स. तो ये सब क्या कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन्स, क्या होता है ये कलेक्टिव नाउन्स कहलाता है. द अंडरलाइन है जो बताया गया है वर्ड्स बंच एंड हीप, जिसके नीचे लाइन बनाई गई है जो वर्ड्स बताए गए है वो है बंच एंड देन हीप आर कलेक्टिव नाउन्स. ये सब क्या कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन्स. अ कलेक्टिव नाउन इज नॉर्मली, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं और नॉर्मली क्या होते हैं इन द सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर में होते हैं एंड देयरफॉर इसीलिए क्या है टेक्स अ वर्ब, जो वर्ब होती है जिसे हम क्रियापद बोलते हैं वर्ब इन द सिंगुलर, बट इट कैन टेक द प्लूरल टू. बस क्या है पर उसे हम ले सकते हैं प्लूरल के रूप में भी ले सकते हैं. एग्जाम्पल बताया है टू बंचेज ऑफ कीज, जो बंच होती है जो चाबी का जो क्या होता है चाबी होती है उसका जो बंच होता है टू बंचेज ऑफ कीज आर लाइंग ऑन द टेबल पे रखी हुई है टू बंचेज ऑफ कीज जो होती है चाबी होती है उसका जो जूता जो होता है जो उसको कहाँ रखा हुआ है लाइंग ऑन द टेबल. तो हम उसको सिंगुलर में तो लेते हैं लेकिन क्या है हम प्लूरल के तौर पर भी प्लूरल में भी उसे ले सकते हैं. बिलो इज गिवन, जो नीचे दिया गया है अ लिस्ट ऑफ कॉमन कलेक्टिव नाउन्स, हमें ये लर्न करना है. यहाँ नीचे बताया गया है एक लिस्ट दी गई है कॉमन कलेक्टिव नाउन्स की इन प्रॉपर फ्रेजेज, इन प्रॉपर फ्रेजेज बताया गया है
नंबर वन इज अ स्टॉक ऑफ है, अ स्टॉक ऑफ है. टू नंबर अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ बेबी ऑफ गर्ल्स. थ्री नंबर जो गर्ल्स साथ में होती है उसे बोलते हैं बेबी ऑफ गर्ल्स. थ्री नंबर अ बंच ऑफ ग्रेप्स कीज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ कीज भी कहलाता है. फोर नंबर अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ी जो होती है वो बंडल होता है उसका, तो अ बंडल ऑफ स्टिक्स. फाइव नंबर अ हीप ऑफ स्टोन्स. सिक्स नंबर अ सेंचुरी ऑफ ईयर्स रन्स, एक पूरा रन 100 रन करते हैं हम सेंचुरी बोलते हैं उसका पूरा. अ सेंचुरी ऑफ ईयर्स 100 साल जिसे हम सेंचुरी बोलते हैं, और रन्स की भी जो रन करते हैं उसे भी हम सेंचुरी बोलते हैं. इन सिक्स नंबर अ सेंचुरी ऑफ ईयर्स रन्स. सेवन नंबर अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, आप सब क्लास में बैठते हैं, आपका भी एक झुंड होता है, कलेक्शन होता है, एक साथ बैठते हैं, हम उसे बोलेंगे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. किसकी क्लास? स्टूडेंट्स की क्लास. एट नंबर अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या होगी? बुक्स होगी. एट नंबर लाइब्रेरी में बुक्स ही होगी तो उसका भी कलेक्शन होता है. एट नंबर अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स की लाइब्रेरी जहाँ हम बुक्स पढ़ते हैं. नंबर नाइन अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, जो स्टार जो तारे होते हैं आसमान पर उसका झुंड होता है उसे हम क्लस्टर ऑफ स्टार्स बोलते हैं. टेन नंबर अ क्राउड ऑफ पीपल, लोग जो क्या है झुंड में खड़े होते हैं, पूरा क्राउड होता है, हम उसे बोलेंगे टेन नंबर अ क्राउड ऑफ पीपल. इलेवन नंबर अ गैंग ऑफ रॉबर्स, जो लुटारे होते हैं डाकू होते हैं उनकी पूरी गैंग होती है. इन इलेवन नंबर अ गैंग ऑफ रॉबर्स. ट्वेल्व नंबर अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, जो लेक्चर हम देते हैं उसका भी कोर्स होता है और मंथ वाइज होता है. अभी जून मंथ क्या है रनिंग है, हम जून मंथ के हिसाब से लेक्चर लेते हैं. ट्वेल्व नंबर अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स. नंबर थर्टीन अ हर्ड ऑफ किटल, जो किटल होती है गाय भैंस उनका भी हर्ड होता है, अ हर्ड ऑफ किटल. नंबर फोर्टीन अ फ्लॉक ऑफ शीप, जो घेटे होते हैं उनका जो होता है झुंड उसे बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ शीप. फिफ्टीन नंबर अ फ्लीट ऑफ शिप्स. सिक्सटीन नंबर अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, जो चिकन्स निकलती हैं उसे बोलते हैं अ ब्रूड ऑफ चिकन्स. नंबर सिक्सटीन अ ब्रूड ऑफ चिकन्स. सेवेंटीन अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, देखो जो म्यूजिशियंस आते हैं उनकी पूरी टीम आती है, पूरे बैंड होते अलग अलग, तो हम बोलेंगे उसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. 18 नंबर है अ कोड ऑफ लॉज. 19 अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स स्टेयर्स. 20 नंबर अ क्लंप ऑफ ट्रीज, ट्रीज होते हैं जो झुंड में होते हैं जंगल में होते हैं झुंड में देखते हैं हम उसे बोलते हैं क्लंप ऑफ ट्रीज. 21 अ क्रू ऑफ सेलर्स. 22 अ स्वार्म ऑफ बीज. 23 नंबर अ लीटर ऑफ पिग्स. 24 अ शॉल ऑफ फिश. 25 अ पैक ऑफ हुंड्स एंड 26 अ टफ्ट ऑफ हेयर, जो बालों का गुच्छा होता है अ टफ्ट ऑफ हेयर. नाउ वंस अगेन, नंबर वन अ स्टॉक ऑफ है. टू नंबर अ बेबी ऑफ गर्ल्स. थ्री नंबर अ बंच ऑफ ग्रेप्स कीज. फोर नंबर अ बंडल ऑफ स्टिक्स. फाइव नंबर अ हीप ऑफ स्टोन्स. सिक्स नंबर अ सेंचुरी ऑफ ईयर्स रन्स. सेवन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. एट नंबर अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. नाइन नंबर क्लस्टर ऑफ स्टार्स.
10 number a crowd of people, 11 a gang of robbers, 12 number a course of lectures, 13 a herd of cattle, in 14 number a flock of sheep, 15 a fleet of ships, 16 a brood of chickens, in 16 number a brood of chickens, 17 a band of musicians, 18 number a cord of laws, 19 a flight of birds stairs, in 20 number a clump of trees, 21 a crew of sailors, 22 a swarm of bees, 23 a litter of pigs, 24 a shoal of fish, 25 a pack of hounds, and 26 a tuft of hair. Now we come on exercise number 1. Exercise number 1 is here. Fill in the blanks with suitable collective nouns. हमें collective nouns लिखना है. Selected from the above list, जो ऊपर list दी गई है उसमें से हमें select करके हमें suitable collective nouns से blanks को fill up करनी है. One is, there was a dash of sheep grazing on the hillside. अब शीप का क्या होगा? Now give me answer, बताइए मुझे. हाँ, फ्लक आएगा. क्या होगा यहाँ? फ्लक. Number one is, there was a flock of sheep grazing, चल रही कहाँ पर? On the hill side, टेकरी की जो साइड होती है वहां पर जो शीप हैं, जो घेटे हो चल रहे हैं, उनका पूरा झुंड है. टू नंबर, a baby of girls, जो गर्ल्स का झुंड होता है उसे बोलते हैं baby of girls. वॉज शाउटिंग, चिल्ला रही है, स्लोगन्स चिल्ला रही है ऑन द रोड पे, आवाज से बोल रही है. टू नंबर, अ बेबी ऑफ गर्ल्स वॉज शाउटिंग स्लोगन्स ऑन द रोड. नाउ थ्री नंबर, आई कांट ओपन द लॉक, मैं खोल नहीं सकती लॉक को, क्योंकि एज आई हैव लॉस्ट, मैंने गुम गई है जो मेरे पास थी, माई बंच ऑफ कीज, जो कीज का जो मेरे पास झुंड था उसका कीज का वो गुम हो गया है. तो यहाँ लिखेंगे बंच ऑफ कीज. नंबर फोर, अब रॉबर्स की क्या होगी? गैंग होगी. आ गैंग ऑफ रॉबर्स एंटर्ड द विलेज एंड लूटेड द हाउसेज. वी राइट हियर, गैंग ऑफ रॉबर्स. In 5 number, we saw a fleet of ships. क्या लिखेंगे? Fleet of ships at the harbor. Number 6, he heard a swarm of bees buzzing. बनती है जो मक्खी over his head. तो लिखेंगे swarm of bees. In 7 number, we saw a pigs है. तो उसके झुंड को क्या बोलेंगे? लीटर ऑफ पिग्स इन द स्टाइल. इन 8 नंबर, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अ नीडल लॉस्ट इन अ स्टॉक ऑफ है. 9 नंबर, द रिच मैन कॉल्ड अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. At the time of his son's wedding, जो रिच मैन होते हैं, जो मालदार लोग होते हैं, वो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस जो होते हैं, म्यूजिशियंस बैंड को बुलाते हैं. At the time of his son's wedding, अपने लड़के की शादी होती है, जो अच्छे लोग होते हैं, मालदार होते हैं, वो बुलाते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. At the time of his son's wedding. Now 10 number, he was famous professor. So I attended the whole course of his lectures. 10 number, he was famous professor. So I attended the whole course of his lectures.
एक्सरसाइज नंबर सेकेंड मटीरियल. अभी हमने वहाँ कलेक्टिव नाउन देखा है, अभी हम मटीरियल का बताए हैं. मटीरियल नाउन डेनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, किससे बनी हुई है हमें उसके अबाउट लिखना है. बिलो जो नीचे दिया गया है इज गिवन अ लिस्ट ऑफ कॉमन मटेरियल नाउन्स. कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन है, कोल, सुगर, टी, कॉफी, ब्रॉन्ज, ब्रास, वूल, कॉटन, सिल्क, रबर, वुड, मार्बल, ऑयल, स्टोन, ग्लास, रॉक, लेड, एल्यूमिनियम, हनी, मटन, पोक, जूट, राइस, व्हीट एंड ज्वार. हमें क्या है ये सब लेकर हमें यहाँ पर ब्लैंक्स को फिलअप करना है. एक्सरसाइज टू, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मटेरियल नाउन. सुटेबल मटेरियल नाउन्स सिलेक्टेड फ्रॉम द एबो लिस्ट. हमें लिस्ट में से क्या है सिलेक्ट करके सुटेबल मटेरियल नाउन से सिलेक्ट करके ब्लैंक्स को फिलअप करनी है. नंबर वन, द प्रिंस ऑफर्ड हर अ नेकलेस मेड ऑफ प्योर गोल्ड. जो प्रिंस ने किसे दिया है नेकलेस दिया है जो किससे बना हुआ था, प्योर गोल्ड से बना हुआ था. नंबर वन, द प्रिंस ऑफर्ड हर अ नेकलेस मेड ऑफ प्योर गोल्ड. सो वी राइट हियर गोल्ड. टू नंबर, दिताज महल इज बिल्ट ऑफ प्रीसियस वाइट मार्बल. जो हमारा है बना हुआ है जो ताजमहल जो है वो किससे बना हुआ है, बहुत कीमती जो वाइट मार्बल से वो बना हुआ है. टू नंबर, दिताज महल इज बिल्ट ऑफ प्रीसियस वाइट मार्बल. नंबर थ्री, डैश इज नॉट एज कॉस्टली एज गोल्ड. सिल्वर जो है वो चांदी जो सोने से क्या है थोड़ी कम होती है, बहुत महंगी नहीं होती. सिल्वर इज नॉट एज कॉस्टली एज गोल्ड, इतनी वो क्या है महंगी नहीं होती. वी राइट हियर सिल्वर. फोर नंबर, आई डोंट टेक मच शुगर इन माई टी. I don't take much sugar in my tea. Bees collect. Bees क्या collect करती हैं? Honey. Bees collect honey from different flowers. We write here honey. H-O-N-E-Y, honey from different flowers. Six number, statues जो होते हैं. स्टेच्यूज जो मुजस्समे होते हैं, पुतले होते हैं. स्टेच्यूज आर मोस्टली मेड ऑफ स्टोन. सेवन नंबर, ग्लास इज ब्रिटल. ब्रिटल यानी गिरते ही टूट जाता है. ग्लास क्या कहलाता है? इज ब्रिटल. वी राइट हियर ग्लास. नंबर एट, सम पीपल आर एज ब्लैक. अमुक लोग बहुत काले होते हैं जैसे कि कोलसे की तरह. सम पीपल आर एज ब्लैक एज कोल. कोल यानी कोयला जो होता है. नंबर एट, सम पीपल आर एज ब्लैक एज कोल. नाइन नंबर, साउथ इंडियंस प्रीफर राइस टू मटन. साउथ इंडियंस प्रीफर राइस टू मटन. टेन नंबर, द पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया. पूरे इंडिया में जो अच्छा गेहूं होता है वो पंजाब में पाया जाता है. टेन नंबर, द पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया. वी राइट हियर व्हीट, गेहूं. 11 नंबर, द क्रॉप ऑफ जूट नीड्स प्लेंटी ऑफ रेन. जो बांस का जो होती है क्रॉप उसको ज्यादा पानी चाहिए. 12 नंबर, कॉपर इज मोर यूजफुल
देन गोल्ड और सिल्वर। कॉपर इज मोर यूजफुल, तो तांबा होता है बहुत यूजफुल होता है, देन गोल्ड और सिल्वर, और गोल्ड और सिल्वर से भी ज्यादा। 13 नंबर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, साधन होते हैं, आर मोस्टली मेड ऑफ ब्रॉन्ज। 14 नंबर है आयरन, जो लोखन होता है, इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हमें जो भी लोखन की चीजें होगी उसमें करंट आता है, वो अच्छे नहीं है, बैड कंडक्टर है ऑफिस के लिए, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आयरन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 15 नंबर वी गेट उल, हम उल और कॉटन जो होता है किससे प्राप्त करते हैं, फ्रॉम शीप। जो रू होती है वो हम किससे मिलता है, हमें शीप से मिलता है। नंबर 16 ऑयल इज यूज्ड फॉर फ्राइंग, हम कोई भी चीज फ्राई करते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑयल की, तेल की जरूरत पड़ती है। ऑयल इज यूज्ड फॉर फ्राइंग। नंबर 17 इन द पास्ट प्रिंसेस यूज्ड टू वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ सिल्क। 18 फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, फर्नीचर जो है लकड़े के बने हुए होते हैं। 19 द स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ होल रॉक। नंबर 19 द स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ होल रॉक। 20 नंबर लेड जो होता है इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स। लेड जो होता है, लेड से क्या बनती है, लीड से, लीड जो होती है इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स। 20 नंबर लीड इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स। देखिए यहाँ नोट बताई है, मटेरियल नाउन्स आर नॉट एज अ रूल यूज्ड इन द प्लूरल, इन द प्लूरल का कोई रूल नहीं है, उसको हम क्या है प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं, जैसे स्टोन है, कॉपर, वुड। बट व्हेन दीज नाउन्स ऑकर इन द, जब प्लूरल में बनते हैं तो दे आर यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, क्या कहलाते हैं वो, किसके तौर पर यूज किए जाते हैं, कॉमन नाउन्स। इट्स स्लाइटली चेंज्ड मीनिंग, के जो मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाते हैं, जैसे के स्टोन, पीसेस ऑफ स्टोन तो टुकड़े भी होते हैं, वुड्स तो फॉरेस्ट में होते हैं, लकड़ी जो होती है जंगल भी होते हैं, जो झाड़ होते हैं फॉरेस्ट होते हैं, आयरन जो है क्या है, फेटर्स मेड ऑफ आयरन। नाउ रीड वंस अगेन एक्सरसाइज नंबर 2। जब को सभी को हमें ध्यान से देखने हैं, बार बार मुझे फोन नहीं करना है, अच्छी तरीके से मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, आपको अच्छी तरह से देखना है। कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि हमारे जो वीडियो है आप तक अच्छी तरह पहुँचे और आप भी इसमें से कुछ सीख सकें। अभी ग्रामर है, ग्रामर क्या है, मस्ट बी इम्पोर्टेंट, क्यों बहुत जरूरी हमारे लिए है, अगर इंग्लिश स्पीकिंग में हम ग्रामर हमें अच्छा है तो हम इजिली हम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2, आई रीड वंस अगेन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मटेरियल नाउन्स सिलेक्टेड फ्रॉम द एबो लिस्ट। एबो यानी ऊपर जो है लिस्ट, और बिलो का मतलब होता है नीचे। इज नंबर 1 इज द प्रिंस ऑफर्ड हर अ नेकलेस मेड ऑफ प्योर गोल्ड, वी राइट हियर गोल्ड। 2 नंबर द ताजमहल, द ताजमहल क्या है, हमने देखा है, हमने भी नहीं देखा है पर आपने भी देखा होगा, हमने नहीं देखा है, वो किससे बना हुआ है, इज बिल्ट ऑफ प्रीसियस व्हाइट मार्बल, बहुत ही कीमती व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। नंबर 2 द ताजमहल इज बिल्ट ऑफ प्रीसियस व्हाइट मार्बल। 3 नंबर सिल्वर इज नॉट एज कॉस्टली एज गोल्ड। 4 नंबर आई डोंट टेक मच शुगर इन माई टी।
5 नंबर बीज कलेक्ट हनी फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स। इन 6 नंबर इसके जो स्टेचिज होते हैं आर मोस्टली मेड ऑफ स्टोन। जो मुजस्मे बोलते हैं, पुतले बोलते हैं, वो क्या है मोस्टली किसके बने हुए होते, पत्थर के बने हुए होते हैं। इन 7 नंबर ग्लास इज ब्रिटल, ग्लास गिरता है वो टूट जाता है, ब्रिटल बोलते हैं उसे, ग्लास इज ब्रिटल। 8 नंबर सम पीपल आर एज ब्लैक एज कॉल। 9 नंबर साउथ इंडियंस प्रीफर राइस टू मटन। 10 नंबर द पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। 11 द क्रॉप ऑफ जूट नीड्स प्लेंटी ऑफ रेन। 12 नंबर कॉपर इज मोर यूजफुल देन गोल्ड और सिल्वर। 13 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मोस्टली मेड ऑफ ब्रॉन्ज। 14 नंबर आयरन जो है लोखन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 15 नंबर वी गेट वूल एंड कॉटन फ्रॉम शीप। 16 नंबर ऑयल इज यूज्ड फॉर फ्राइंग। 17 इन द पास्ट प्रिंसेस यूज्ड टू वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ सिल्क। इन 18 नंबर फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। इन 19 नंबर द स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर इज कॉर्ड आउट ऑफ अ होल रॉक। 20 नंबर लीड इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स।